अस्सलामुअलैकुम। हम आज बनाने वाले हैं पोटैटो चीज़ बॉल्स। ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से चीज़ी होंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल कर लिया है और उसको मैशर से इस तरह से मैश कर लेना है। याद रखें, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। आलू जो हमने उबाले हैं उसको अच्छी तरह से स्मूथ मैश कर लेना है, उसमें टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए, आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है मैंने। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। ये मैंने हरा धनिया चॉप करके लिया है, कैप्सिकम को बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और हरी मिर्चों को भी मैंने प्याज के साथ ही चॉप कर दिया था, तीन हरी मिर्चें ली थी। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ओरेगानो, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट याद रखें कम ही ऐड करना है क्योंकि हम इसमें चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, चिली फ्लेक्स, और ये मैंने प्रोसेस चीज़ ली है ग्रेट करके। 1 कप चीज़ को ग्रेट कर लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस वक्त मोज़रेला चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी रेसिपी मिल पाएगी। तो ये देखिए, इसको मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लिया है और एक अंडा ले लिया है फेंटकर कोटिंग के लिए। और ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, इसके मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं और ब्रेड क्रम्स लिया है। मेरा ग्रेटेड चीज़ था इसलिए मैंने छोटे बॉल्स बना लिए हैं। अगर आपका ग्रेटेड चीज़ नहीं है तो आप छोटे छोटे क्यूब्स में उसको कट कर लें। तो सबसे पहले हाथों पर ऑयल लगा लेंगे और ये आलू का जो हमने फिलिंग बनाई है उसको इस तरीके से चपटा करते हुए सेंटर में चीज़ को रख देना है। और याद रहे कि इसको अच्छी तरह से फील करना है, वरना फ्राई करते वक्त ये खुल जाएंगे बॉल्स और चीज़ बाहर निकल जाएगी मेल्ट होकर। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से हमें पैक कर लेना है। तो ये देखिए, एक बॉल हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो दूसरा वाला बॉल भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। आप चाहे तो और छोटे छोटे साइज के भी चीज़ बॉल्स बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना। इफ्तार टाइम पर आप इसको बनाकर खा सकते हैं, स्नैक्स टाइम पर आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी टेस्ट इसका बढ़ जाता है। तो ये सारे चीज़ बॉल्स हमारे बनकर रेडी है। अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं हम। पहले अंडे में डीप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डीप करेंगे। आप चाहे तो डबल कोटिंग कर सकते हैं इस पर, और आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर और मैदे की स्लरी में इसको डुबा दें, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा दें अगर आपको अंडा नहीं लगाना हो तो। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे ब्रेड क्रम्स पर लगा देने हैं हमें इस पर। और आप चाहें तो इस वक्त इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कर ले और जब आपको खाना हो आप फ्राई करके इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होते हैं ये खाने में। तो सारे इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेना है। अब हम इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो तेल को मीडियम गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, और फ्लेम भी मीडियम ही रखनी है। और एक एक करके आहिस्ते आहिस्ते चीज़ बॉल्स को हम ऑयल में डालेंगे। और हल्के हल्के हाथों से इसको टर्न करते जाना है और मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो ये देखिए, कलर भी अच्छा आ चुका है, फ्राई भी हो चुके हैं चीज़ बॉल। इनको मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही टेस्टी और यमी से क्रिस्पी से हमारे पोटैटो चीज़ बॉल्स बनकर रेडी है। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से कितना क्रिस्पी बना है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही क्रिस्पी है ऊपर से, और अंदर से ये देखिए बहुत ही चीज़ी बना है।
ये देखिए सॉफ्ट और चीज़ी है अंदर से। तो अगर आपको व्यूवर्स मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।